welcome back to my channel. I know this is a lot of makeup for a daily life vlog, but actually I just got done shooting a lot of videos. two videos actually. तीसरी मैं शुरू करने जा रही थी जिसके लिए मैंने ये मेकअप भी चेंज किया कि चलो लगे हाँ तीसरी भी कर लेती हूँ. बट ऑनेस्टली बताऊँ मन था लेकिन हिम्मत नहीं थी. मतलब जो वीडियो मैं शूट करने की सोच रही थी उसके लिए जो मेहनत लगनी थी वो मेरे अंदर नहीं बची थी. तो मैंने डिसाइड किया क्योंकि मन है लेकिन हिम्मत नहीं है वो वीडियो शूट करने की, तो क्यों ना मैं व्लॉग चालू कर दूँ. दो रीजंस थे व्लॉग ना करने के. काफी पीछे आपने जितना टाइम भी देखा है कि मैंने व्लॉग नहीं किया है, उसके दो रीजंस थे. पहला रीजन था कि मैं आई वाज नॉट फीलिंग नाइस से ज्यादा कह सकते हैं. आई वाज वेरी बिजी डूइंग सो मेनी थिंग्स. आई वाज क्रिएटिंग वीडियोस, कमल वाजंट हियर, तो बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो रही थी. तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं रुक जाती हूँ, मैं सिट डाउन वीडियोस करती हूँ और व्लॉग्स रहने देती हूँ. बिकॉज फॉर व्लॉग्स आई विल टेल यू, यू नीड अ रियली गुड frame of mind and you need to be very happy from inside. At least मेरे साथ तो ऐसा है कि जब तक मैं अंदर से खुश नहीं हूँ ना, I cannot vlog. Because मैं बहुत ऐसे energy के साथ vlog करना चाहती हूँ, तो अगर energy down होती है तो मैं नहीं करती हूँ. अब दूसरा reason जो actually primary reason था energy down होने का, वो था कि मेरी family में मैंने एक bad news सुन ली थी. Cousin brother of mine जो अब नहीं रहे, एंड ही वॉज रियली यंग, ही वॉज जस्ट लाइक माई भैया का एज. वो मेरी सगी जो मासी है, रियल मासी, उनका बेटा है. और इस बात को तकरीबन एक हफ्ता हो चुका है, बट कुछ दिनों तक दिमाग में वही चलता रहा. एंड देन सो मेनी रिलेटिव्स, सबके फ़ोन आने शुरू हो गए. तो कभी आज किसी से बात हो रही है, फिर किसी से बात हो रही है, और टॉपिक सेम ही है, सबसे एक ही बात हो रही है, रवि भैया के बारे में ही बात हो रही है. तो आई वॉज नॉट रियली इन गुड फ्रेम ऑफ माइंड, तो मेरे से व्लॉग शुरू नहीं किया. बट आई एम इन अ मच बेटर स्पेस नाउ, सो आई थॉट आई विल व्लॉग टुडे. मेरी रिंग लाइट जो आप लोगों को याद होगा, जो यहाँ पे रखी रहती थी, मेरी रिंग लाइट खराब हो चुकी है, वो सही होने गई है. तो इसलिए आई हैड नो चॉइस बट टू शूट माई वीडियो सिटिंग ऑन दिस जमीन. आई जस्ट शॉट टू वीडियोज यहाँ पे. एंड आई एम स्टिल नॉट श्योर अभी मेरी जो रिंग लाइट है वो ठीक होके आएगी भी या फिर मुझे नहीं लेनी पड़ेगी. आई डोंट नो वॉट इज द सीन, मुझे शाम तक पता चलेगा. एनीवे, तो अब दूसरा अपडेट ये है कि कमल जा रहा है आज फिर से शूट के लिए. अभी आप लोगों ने कमल का व्लॉग देखा होगा कि कमल आया था वापस दो तीन दिन के ब्रेक के लिए, और अब उसको वापस बुला लिया गया है कि आपका शूट वापस से है. सो कमल इज ऑल्सो लीविंग इन एन आवर और सो. तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी ये सब जो सामान है इसको संभालने से. इसको सब जगह पे लगाऊंगी. और ये भी भरा हुआ है बाय द वे, ये सब भी, क्योंकि जब शूट कर रहे हो तो ना आपको जो जगह मिलती है आप वहीं पे रखते जाते हो सब कुछ. तो मुझे बहुत सारा सामान संभालना है, तो ये सब कर लेते हैं. Hoping I survive. The feeling lingers on every day of every month. Wishing I just could forget about. मैं जब स्टार्टिंग की अपनी वीडियोस बनाती थी ना, तो मैं जमीन पे बैठ के ही बनाती थी. आज मैंने बहुत टाइम बाद जमीन पे बैठ के बनाई है, क्योंकि कुछ रीजंस थे एक दो, तो यहाँ पे ही मुझे बनानी पड़ी. बट मुझे पुराने दिन याद आ गए. मिष्टू क्या कर रहा है? टॉप खा रहा है मम्मा का? बटन्स निकाल रहे? गंदी बात. हाय छोना बेबी. बाय द वे एक न्यूज है जो आप लोगों को बतानी है. सो नाउ सिंस कमल इज गोइंग, वो टॉवल बहुत ही गंदा लग रहा है फ्रेम में, रुको. सो सिंस कमल इज गोइंग अगेन एंड आई हैव सो मच टू टेक केयर ऑफ, एंड ऑल्सो I am starting my kitchen makeover finally starting tomorrow. I don't know when this vlog will be up. So now what happened yesterday? Yesterday a friend of ours called Dhanush, if you remember, the guy जहाँ पे हम लोग हमेशा अपने बच्चों को छोड़ते हैं. जब हम कभी ट्रैवल करते थे तो हम एटम को छोड़ के जाते थे. जब से मिष्टी आई है तब से हम लोगों ने कभी ट्रैवल नहीं किया, क्योंकि ये कोरोना का सिचुएशन हो गया था. तो धनुष से कल बात हो रही थी, तो
मेरे को और कमल को कहीं कुछ इम्पोर्टेंट चीज के लिए जाना पड़ रहा था बेसिकली. तो हमने धनुष को फोन किया था ये बताने के लिए कि यार शायद हम दोनों को कुछ घंटों के लिए जाना पड़ेगा, तो हम एटम और मिष्टी को आपके पास छोड़ के जाएंगे. तो धनुष ने बोला कि अरे यार थैंक यू सो मच, मैं तो कब से सोच रहा था कि यार मैं एटम को इतना मिस कर रहा था, तो चलो इस बहाने मिष्टी भी आ जाएगी. इयररिंग मेरा ले आई मिष्टी, नो. तो इस बहाने मिष्टी भी आ जाएगी, चलो उससे मिल लूंगा और एटम भी मेरे पास रुक जाएगा. और अगर आप बुरा ना मानो तो प्लीज दो तीन दिन के लिए एटम को मेरे पास छोड़ जाना, अगर आप लोगों का मन उसके बिना लग जाएगा तो. मैंने कहा हाँ यार कोई बात नहीं, यू एनीवे टेक केयर ऑफ हिम सो मच, तो इट्स ओके, मैं छोड़ के जाऊंगी दो दिन के लिए, आप रख लेना उसको. अभी क्या हुआ, जिस काम के लिए मेरे को और कमल को जाना था वो काम कैंसिल हो गया. अभी हमें वो वाला जाना ही नहीं पड़ा हमें, बट अभी क्योंकि कमल जा रहा है शूट पे और मुझे किचन मेकओवर शुरू करना था, तो मैंने सोचा कि बच्चों को, जैसे बच्चे नानी के पास जाते हैं ना और मम्मी को आराम मिलता है, तो मैंने धनुष को फोन किया कि यार इफ यू स्टिल वांट टू कीप एटम फॉर अ कपल ऑफ डेज यू कैन कीप, बिकॉज धनुष लव्स एटम, ही इज नॉट इमोशनली कनेक्टेड टू हर, बिकॉज जब से ये आई है तब से गेस्ट्स वगैरह आने बंद हो गए हैं घर में, धनुष नहीं आता, हमारे कोई फ्रेंड्स नहीं आते, तो दे हैव नॉट रियली हैड अ टाइम टू कनेक्ट विद मिष्टी, सो दे आर नॉट इमोशनली कनेक्टेड. बट धनुष इज वेरी वेरी इमोशनली कनेक्टेड टू एटम. तो मैंने सोचा कि देख लो अगर उसे रखना है, मेरा पीछे से किचन मेकओवर भी आराम से हो जाएगा, मुझे दो बच्चे नहीं संभालने पड़ेंगे. ऑल्सो You guys have no idea, जब कमल नहीं होता तो मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मुझे वीडियोस भी शूट करनी होती हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं. तो फाइनली एटम इज ऑल्सो गोइंग टू धनुष का प्लेस फॉर टू डेज. तो अभी कमल जब शूट पे जा रहा है, रस्ते में उसे जब पिक करने के लिए आएंगे, तो रस्ते में वो एटम को धनुष के घर छोड़ता हुआ जाएगा. सो घर में मैं और मिष्टी अकेले होंगे और बहुत सारा काम होगा हमारे करने के लिए. सो आई थिंक या आई विल बी एट लिटिल मोर पीस, मैं किचन मेकओवर थोड़ा आराम से कर पाऊंगी और मुझे आराम मिलेगा. So this is the new update that I wanted to give you. And yeah, most of the stuff is gone. Vanity sorted ho gayi hai. Aur fir hum rakhte hain chai, achhi si chai peete hain Kamal ke saath baith ke. साथ ही साथ ना मेरे को एटम के लिए भी बैग तैयार करना है, क्योंकि वो धनुष के यहाँ पे रहेगा जब, तो उसका खाने पीने का सामान, ट्रीट्स वगैरह ये सब. वैसे तो धनुष बोलता है कुछ मत दो, सब मैं ले आऊंगा, दे दूंगा उसको, बट देन जो यहाँ पड़ा होता है ऑब्वियसली हम लोग दे देते हैं. जब भी मैं उसको भेजती हूँ तो उसकी पेडिग्री जो वो खाता है, उसकी फेवरेट सॉसेजेस जिसके बिना वो पेडिग्री नहीं खाता है, और एक सेकेंड, ये है उसकी फेवरेट चिकन सॉसेजेस, और उसकी ये ट्रीट्स हैं बिस्किट्स जो उसके फेवरेट हैं, और एक उसका और ट्रीट फेवरेट है दिस. तो जब भी सामान पैक करके भेजती हूँ तो हमेशा धनुष को इंस्ट्रक्शंस देती हूँ कि सुनो ये इतना इतना सा देना है, ये इतना इतना सा ट्रीट, उसे ज्यादा नहीं देनी है. लेकिन जब भी जितनी बार भी मैंने उसे जो पैकेट दिया ना वो तो खत्म हुआ ही है. इनफैक्ट धनुष ने और भी मंगाया, मतलब वो एटम को ना मतलब कह सकते हैं ऐश कराता है, इसीलिए एटम वहां पे इतना खुश रहता है क्योंकि उसे पता है उसकी ना वहां ऐश होने वाली है. मम्मी ने देनी है यहाँ पे सोच सोच के ट्रीट के, नहीं बस इतनी मिलेगी, ज्यादा नहीं मिलेगी, खाना थोड़ा है, ये प्राइज की तरह मिलती है ना हमारे यहाँ पे ट्रीट्स की, आपने अच्छा कुछ किया है तो आपको प्राइज मिलेगा, आपको ट्रीट मिलेगी. धनुष उसको देता है खाने की तरह ट्रीट्स, सो इसलिए एटम बहुत ऐश करता है वहां पे और बहुत खुश रहता है वहां पे. सो एनीवे अब इसका हो गया है सामान तैयार. मोस्टली बर्तन वर्तन मैं नहीं रख रही हूँ क्योंकि मैं धनुष को बोलूंगी वहीं से दे देना, नहीं तो यूजुअली मैं उसका जो बोल होता है वो भी देती हूँ. सो दिस इज ऑल्सो रेडी, चाय तैयार हो गई है, हम पीते हैं चाय. चाय पीने से पहले मैंने टॉप चेंज कर लिया है क्योंकि मैंने बहुत ही वुलन टाइप का टॉप पहना था, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी. नाउ वी आर रेडी फॉर टी, बैठूंगी आराम से. कमल कर रहा है कुछ काम जाने से पहले, एटम के ही कुछ पेडिग्री वगैरह खत्म हो रही थी तो वो डिलीवर करवा रहे हैं हम डायरेक्टली धनुष के घर पे. सो या देयर इज अ लॉट टू डू राइट नाउ, लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग. इकट्ठे मेकअप उतारने का मन है लेकिन हिम्मत नहीं है.
वो मिष्टी ये देखो कैप के साथ मिष्टी। हाय विवो, बस शांत एकदम शांत। एटम ये मिष्टी को हमने न्यू कुशन दिया है फाड़ने के लिए, बट आई रियली होप फाड़े नहीं, ये मेरे को एक पियर पैकेज में आया था। मिष्टी नो शुगर का है ये आम। ये देखो जरा, मैंने कहा बहन तू ये फाड़ ले प्लीज, घर में यूज होने वाले कुशन मत फाड़, तो ये वाला दे दिया। What's up? What's up? I'm going for shooting. Yay, party! गए वो दिन ज्योति। हाँ, मैं आप लोगों को एक किस्सा बताती हूँ। एक किस्सा नहीं, मतलब ये मेरे हमेशा आता है जब भी कमल शूट के लिए जा रहा होता ना, क्योंकि कमल ने दो तीन शूट्स पहले भी दो तीन ऐसे सीरियल किए हैं जहाँ पे वो सेम जगह उमरगांव जाता था। तो जब भी कमल का शूट फाइनल होता था कि अच्छा मैं जा रहा हूँ, तो मैं ना कमल को जानबूझ के चिढ़ाने के लिए ऐसे ना मैं क्या करती थी, कमल के होते होते ना अपने दो तीन जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं करण, मनीष नागदेव, वृति, इन सबको फोन करती थी कमल के सामने, बोलती थी कि पार्टी। वो बोलते थे क्या हुआ कमल जा रहे हो? कहती हाँ मेरा पति जा रहा है, चलो पार्टी करेंगे। तो अभी मैंने बोला पार्टी करा इन योर ड्रीम्स, नहीं कर सकते हो अब तो पार्टी, हो ही नहीं सकती, कोई आ नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकते, बट मैं फिर भी चिढ़ाऊंगी कमल को। ये अभी मैं मिष्टी को बोलूंगी मिष्टी पार्टी। मिष्टी की ऑलरेडी पार्टी चलती रहती है, मिष्टी जा जाके ना हर जगह, मिष्टी की पार्टी खत्म नहीं होती। तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूं? मैं कुछ नहीं, आई एम ऑल सेट, आई एम ऑलरेडी, मैं ड्राइवर का वेट कर रहा हूं, कैब का। पैकिंग हो गई तुम्हारी सारी? डन, यस। वो रह गया बस एक ट्राइपॉड और एक आईफोन का चार्जर की तरह है, चार्जर की तरह आईफोन का चार्जर देती हूं। वो देखो उधर बास्केट में जहां पे मेरे सारे चार्जर्स होते हैं। तुम्हारे चार्जर का मैं क्या करूँगा? मुझे नहीं नहीं, मतलब वहीं पे तुम्हारा वाला नहीं है, मिल गया ना? मिल गया ना, बस ठीक है। नहीं नहीं, तुम बोले ना वहाँ पे मेरे सारे चार्जर होते हैं, तो तुम्हारे चार्जर का मैं क्या करूँगा? अच्छा, मतलब मेरे फोन्स वगैरह के सबके चार्जर्स होते हैं। चाय बनाई? यस, थोड़ी सी ले लो, ले लो थोड़ी सी। तुमने मना किया था, मार दूंगी मैं। यार मेरे लिए कुछ नहीं बनाती होती तुम, झूठे कितने हो तुम। तुमसे मैंने पूछा है, इस आदमी से मैंने पूछा है चाय पियोगे, प्लीज पी लो, बोले नहीं। क्या प्रूफ है मेरे पास? प्रूफ मैं खुद हूँ, मेरा दीन ईमान, मुझे पता है मैंने तुमसे पूछा है। चलो ठीक है, ले एक घूट पी ले। कैसी बनी है? मस्त है यार। झूठ नहीं, नहीं अच्छी लग रही है, नहीं अच्छी बनी, मुझे खुद को पता अच्छी नहीं बनी। I'm telling you it's good, it's nice, I like it. मोशो शोना बाबू, अटू अटू कहाँ जा रहा है? हाँ पिकनिक, पिकनिक के लिए जा रहा है एटम। एटम की तो ऐश होने वाली है अटू, तुझे मिष्टी से भी थोड़े दिन के लिए छुटकारा मिलेगा। ये देख लो जरा, ये अभी तक जब से मैं व्लॉग कर रही हूँ, मतलब तब से जब आपको दिखाया था तब से कुशन से खेल रही है। हाथ भी चाहिए, कुशन भी चाहिए, हाथ पे रख के हाथ अपना फिर कुशन से खेलना है। नहीं अभी, अच्छा डिसाइड नहीं कर पा रही उसे क्या चाहिए। हमारी चादरें फट रही हैं आजकल क्योंकि ऑब्वियसली हंड रही हैं, मिष्टी फाड़ देती है, कभी नेल लग जाते हैं बच्चों के, बहुत चीजें हो जाती हैं। लेकिन नई खरीदने का मन है लेकिन जिगरा नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अरे नई बिछानी शुरू करूंगी अभी, फिर मिष्टी के ये हाल है, तो अगर फिर से उसने फाड़ दी कोई नई चादर तो फिर मेरा तो दिल बैठ जाएगा। तो हम लोग अभी सोच रहे हैं कि नहीं लेंगे अभी, नहीं तो हमारी चादरों का बहुत बुरा हाल हो रखा है, बेडशीट्स का। वी बैडली नीड बेडशीट्स बट वी स्टिल नॉट बाइंग। 6 महीने और नहीं खरीदेंगे जब तक ये और बड़ी नहीं हो जाती ना, जब तक इसे पता नहीं चल जाता कि भाई बेडशीट सोने के लिए होती है, फाड़ने के लिए नहीं होती है, तब तक नहीं करेंगे। तुम क्यों बैठे? कहाँ है रिपोर्ट? जैसे जैसे मेकअप रिमूव होता रहेगा मेरा रिएक्शन चेंज होता रहेगा, अभी ऐसे देख ऐसे है अभी और फिर ऐसे हो जाएगा। तुम्हें मैं मेकअप के बिना पसंद नहीं? तुम कौन कह रहे? तुम मुझे हाय कितने गंदे हो तुम। किसने कहा? मुझे तो मैं मेकअप के बिना पसंद हूँ, बल्कि भाई अपने आप को तो हम इस सब कुछ पसंद करते ही हैं। बेबी वेरी बैड मैसेज यू पुटिंग आउट देयर, देख लो हाल, देख लो मेरे पति के। आई लव यू सो मच, डोंट कवर योरसेल्फ नाउ।
बट यू जस्ट सेड दैट मैं रिमूव करूं? नहीं थैंक यू, मैं बहुत अच्छा रिमूव करता हूं। हाँ पर रिमूव तुमने नॉन वेज बातें ना भाई, मैंने अपने तो, तो मेकअप की बात की थी, तुमने मेरे को लग रहा है अपने व्लॉग में किया करो, मैं बता रही हूँ मेरे व्लॉग में ना, इसलिए एक मेरे व्लॉग में भी मुझे करी, बाकी बिहाइंड द सीन्स। अरे मतलब बिहाइंड, अरे वो तो मैं बोल रही थी कि मुझे कैमरा पे पप्पी नहीं करनी तेरे को, प्यार नहीं करना, क्योंकि मम्मी देखेंगे फिर सोच, फिर मम्मी बोलेंगे। फिर एक बार और कुछ कहा था आपने, याद आ गया मेरे को, हाँ कैमरा बंद करो फिर। हाँ वही आज किसी ने कमेंट किया था कि टू क्यूट, कैमरा बंद करो फिर, चाहे लड़ना ही हो कैमरा बंद करके। मैंने मेरी सारी पिगमेंटेशन भी चली गई है फेस पे, जो अनइवन स्किन टोन थी ना, आई हैव डन वंडर्स टू माय स्किन दिस लॉकडाउन। गुड डाइट एंड मिनिमम प्रोडक्ट्स। अच्छा आप लोगों को मैंने वो भी बताऊंगी, जो मैं पिगमेंटेशन जो मेरी हो रही थी ना, अनइवन स्किन टोन, मैंने कैसे ठीक करी एक प्रोडक्ट से। अब मुझे बताओ इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड, आई विल लेट यू नो इन द नेक्स्ट व्लॉग। आई एम इंटरेस्टेड। पहले मेरी त्वचा बड़ी अनइवन थी, मैं बहुत परेशान था, उसके बाद मेरी जिंदगी में एक प्रोडक्ट आया, वो प्रोडक्ट कौन सा है वो हम अगली वीडियो बताएंगे। तब तक खत्म ना हो जाए, मेरा खत्म होने वाला है एक्चुअली ये बात भी, तो खाली डिब्बी दिखा के बोल देंगे और ऐसे एक्टिंग कर देंगे कुछ डाला है। कमल बहुत अच्छे मूड में है क्योंकि कमल जा रहा है अपनी बीवी से दूर, इसलिए बहुत खुश है। नहीं यार बीवी से दूर जाने में खुश होता है क्या? ये देखो आए आए पर क्या होता है ना, कुछ भी कर दो, जैसे जाके ना एक दो दिन बड़ी वो होती है, तीसरे दिन से ऐसा होता है कि कहाँ है भाई बीवी, कहाँ है बच्चे, कहाँ है। मेरे को भी ऐसे ही होता है। सो फर्स्ट टू डेज या थ्री डेज ना बड़ा एंजॉय करते हो, वो आराम से अपना रिलैक्स करते हो, कोई उठने की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं, उसके बाद लेकिन आप अपने यू नो यू ऑब्वियसली स्टार्ट मिसिंग योर फैमिली। चलो मुंह धो के अभी जो कैमरा बंद करियो। तुमने करी है मैं बता रही हूँ, मैंने नहीं करी। मैंने नहीं करी, तुमने करी है। चल अब हम जा रहे हैं कमल को छोड़ने के लिए, ड्राइवर ऑलमोस्ट पहुंच गया है, तब तक सामान उतारते हैं। तुम्हारे साथ भी कोई जा रहा है? मेरे साथ नहीं, आई डोंट नो। ओह बाय द वे पिछली बार तुम्हें नींद क्यों नहीं आई तुम्हारे व्लॉग में? जब तुम जा रहे थे यहाँ से तो तुम्हारे साथ एक को-एक्टर था, कोई लड़का, तब तो तुम बोल रहे थे कि भाई मैं बहुत ही मुश्किल से अपनी नींद को रोके हूँ, मैं नहीं सो सकता, मुझे सोना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे बड़ी नींद आती है। आते हुए तुमने एक बार भी कंप्लेन नहीं किया क्योंकि तुम्हें नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि तुम्हारे साथ लड़की थी। कंप्लेन मैंने की लेकिन मैंने कैमरा भी नहीं की क्योंकि तुमने लास्ट तुम इतनी बार तुमने नींद नींद बोला, इतनी बार नींद कि मैं पागल हो गई थी, तुम्हें नींद क्यों नहीं आई? तो तुमने एक बार भी कंप्लेन नहीं किया? की है, इस वक्त मैं जनता हूँ जो ना तुम्हें इस तरफ जीने देगी ना तुम्हें इस तरफ जीने देगी। जब कंप्लेन किया तो क्यों किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया। तो मैं कमल को छेड़ रही हूँ कि भाई देख लो साथ में लड़की आई थी। अच्छा तुम कमल ने उस दिन किया पता क्या था? मैंने कमल को बोला तो तुम अकेले आ रहे हो, फोन पे बात होती है हमारी रस्ते में, याद है? मैं कह रहा नहीं नहीं साथ में एक है को एक्टर, तो मैंने कहा कौन? कह रहे शिखंडी। मैंने मन में सोचा चल होगा कोई आर्टिस्ट, कोई मेल एक्टर होगा शिखंडी नाम का है ना, एंड में मुझे व्लॉग में पता चला शिखंडी नहीं थी कोई। तो मुझे बहुत तेज हो तुम, बहुत तेज हो। ऐसे ही कमल, ऐसे ही कमल एक बार मूवी भी देखने गया था, तो मूवी देखते जब कोई तो एक लड़का मिला मुझे कमल को, तो कमल ने मुझे फोन पे बताया कि अरे जो तुझे पता है कौन मिला था? वो मिला था। मैंने कहा अच्छा। और बगल वाली सीट में एक जानने पहचाने वाली लड़की थी बैठी, जिसके साथ एक्चुअली मूवी देख के आया कमल पूरी, वो मुझे तीन दिन तक नहीं पता कि बगल में नहीं बताया कि ज्योति तुझे पता है कौन बैठी थी। वो जो एक सेकंड के लिए लड़का मिला वो मुझे पता है, लेकिन लड़की का मुझे नहीं बताया। कमल तुम्हारे दिल में चोर है, खा दो ऐसा कसम। नहीं हुआ था, तुमने लड़की के बारे में नहीं बताया था, लेकिन उसी दिन लड़के के बारे में बता दिया था। तेरी कसम मेरे दिल में कोई चोर नहीं है। मेरी कसम खाई ना, यानी है। मैंने कहा तेरी कसम मेरे दिल में। चलो ड्राइवर आ गया, सामान उतारते। ओए लंबो रानी मेरा सोना, इतनी जय माता दी, टच वुड हाइट निकाल ले मेरा सोना अच्छी सी, सेहत भी निकाल ले जल्दी जल्दी से, सेहत भी निकाल ले मेरा सोना। चल बाय बोल दे पापा को। हाँ
बाय मिस्टू, बाय पप्पू, बाय बाय। क्वीन एलिजाबेथ है, तू ऐसे हाथ दे रही है अपने। किस मी? बाय मेरा बच्चा। बेबी कहाँ जा रहा है? मेरे छोला के बिना मम्मा का दिल कैसे लगेगा? कैसे लगेगा मेरे छोला के बिना मम्मा का दिल? छोड़ के जा रहे चल, तू साथ में जा रहा है बच्चा? हाँ हाँ हाँ, शाद में जा रहा है बच्चा, तू पापा के साथ जा रहा है। चल भाई, कैसे कमल के पीछे एटम बच्चा, वेट, देख पप्पू के साथ जा रहा है तू। चल जल्दी चल, आजा वो रही पापा की गाड़ी। कोई नहीं, हो जाएगा, नहीं टेंशन मत लो। हाँ आप उसे गोद में बिठा लो अच्छे से। बाय, लव यू। एकदम खाली हो जाता है कमल के जाने के बाद, और डबल खाली हो जाता है अगर एटम भी चला जाए, बिकॉज सालों से आदत है। मिष्टी से लाइक अ न्यू मेंबर ऑफ द फैमिली, बहुत अटैचमेंट है उससे, लेकिन ये दोनों जब जाते हैं ना तो अंदर से खाली लगता है ऐसे सब कुछ। ओके गाइज, जस्ट गॉट अप। अभी मैं क्या करूँगी, सारा जो भी आज मैंने वीडियो शूट करी है वो ट्रांसफर करूंगी और उन्हें एडिट करना शुरू करूंगी, तो व्लॉग मैं यहीं पे ये एंड करती हूँ। द मेन मोटिव ऑफ स्टार्टिंग दिस व्लॉग वॉज टू गिव यू अ सॉर्ट ऑफ लाइफ अपडेट कि क्या क्या हुआ है पिछले कुछ दिनों में। और या कमल हैज लेफ्ट नाउ, सो आई हैव गॉट ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे ऊपर फिर से, बट आई थिंक 30% ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर बींग टेकन केयर बाय धनुष नाउ, सो थैंक यू धनुष फॉर दैट। एंड या, this is it for this one. I'm going to see you guys in my next video. Till then, bye bye, take care guys.